नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। कोरोना उत्तर प्रदेश से लगभग खत्म हो चुका है। प्रदेश सरकार ने अब नव दुर्गा और अन्य त्योहारों के लिए, खासकर रामलीला का जो पर्व आ रहा है उसके लिए भी अनुमति दे दी है पंडाल लगाने के लिए। इधर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जिस प्रकार से कमी आई है उसको देखते हुए वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। यह हम आपको नजारा झांसी के प्रेम नगर क्षेत्र का दिखा रहे हैं, जहां वार्ड नंबर 10 के सभासद पुष्पेंद्र यादव ने लोगों को सहूलियत देने के लिए क्षेत्र में ही वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे। दरअसल इन लोगों को अस्पताल न जाना पड़े और क्षेत्र में ही वैक्सीनेशन की सुविधा हो जाए, इसके लिए क्षेत्रीय पार्षद पुष्पेंद्र यादव ने यह कदम उठाया है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से मांग की थी कि उनको क्षेत्र में वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जाए, जिसके बाद यह कैंप का आयोजन किया गया। सभासद ने इस आयोजन को लेकर लोगों से अपील की कि वह अधिक से अधिक संख्या में आकर वैक्सीनेशन का कार्य कराएं। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद ने मार्केट संवाद से बातचीत में बताया। पुष्पन भाई, वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है, कितने लोगों को वैक्सीन यहाँ लग रही है? यहाँ पे 500 लोगों को वैक्सीन लग रही है और आज अपन ने CMO साहब द्वारा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपन ने एक लेटर दिया था कि हमारे वार्ड में देखिए बड़ी जनता नहीं है और बेरोजगार लोग हैं, गरीब जनता है, इसलिए वो लोग यहाँ से खैराती अस्पताल नहीं आ सकते हैं और सरकारी केंद्र पर नहीं पहुँच सकते हैं और वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। इसी कारण अपन ने जनता को देखते हुए कि पब्लिक को असावधान नहीं है, इसलिए अपन ने ये कैंप अपने वार्ड में अपन ने स्वेच्छा से लगवाया है।